जिसके बाद 21 अप्रैल 1913 में जाके दादा साहेब फाल्के की फिल्म और हमारे देश की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र बॉम्बे के ओलंपिया थिएटर में प्रीमियर हुई और उस वक्त के बॉम्बे के गिरगोन में स्थित कोरोनेशन सिनेमा में 3 मई 1913 में रिलीज हुई। इसी के साथ कुछ और मुख्य बातें जाने इंडियाज फर्स्ट साइलेंट फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र के बारे में। तो आपको बता दें कि इस फिल्म में मेल और फीमेल दोनों कैरेक्टर्स के रोल थे, लेकिन उस टाइम इन्हें फीमेल एक्ट्रेस नहीं मिली, जिस वजह से इन्होंने मेल एक्ट्रेस को ही फीमेल कैरेक्टर बना के एक्टिंग करवाई। इसमें राजा हरिश्चंद्र का लीड रोल दत्तात्रेय दामोदर दापके ने निभाया और फर्स्ट मेल जिसने इसमें क्वीन तारामती का एक फीमेल कैरेक्टर निभाया वो थे अन्ना सालुंके। अन्ना सालुंके ही वो शख्स थे जिन्होंने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में पहली बार डबल रोल निभाया, जिसके बारे में हम इस वीडियो में आगे जानेंगे।